जन नेता की रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भाजपा नेता विजय अग्रवाल की रैली को देखकर लोगों ने कहा, पिछले कई सालों से ऐसी रैली नहीं देखी, इतने लोगों की संख्या न तो किसी भाजपा नेताओं की रैली में दिखी न ही किसी कांग्रेस नेता के। कुछ दिन पहले ही विजय अग्रवाल की भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई है। 3 दिन के बाद रायपुर से रायगढ़ आने के बाद विजय अग्रवाल ने ये रैली निकाली। ये उनकी स्वागत रैली थी। लोगों की भीड़, उनके समर्थकों का जज्बा, जोश और जुनून देखकर लगता था कि वाकई ये कोई जन नेता है और इनका दमखम है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने अपना दम दिखा दिया। हमने विजय अग्रवाल के समर्थकों और खुद विजय अग्रवाल से भी बातचीत की, सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। हमारे पीछे तो उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का जो भीड़ नजर आ रही है, अभी इस वक्त हम झालक चौक मौजूद है। लोगों को भीड़ जिस तरह से लोग अपने समर्थक अपने जन नेता को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, ये लेना है ना, अभी जन सैलाब उमड़ा हुआ है घोबड़े के सामने। यहाँ पे नजर आ रही है काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ हजारों की संख्या में, जैसा ही पहले से था, पहले बताया गया था लगभग संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद होंगे। नजर आ रहा है मौजूद है। यहाँ उनके हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। उन समर्थकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, विजय अग्रवाल जी का ओहदा किस तरह से रहा है पहले चुनाव में, अभी अभी क्या कहना चाह रहे हैं अभी के जो समर्थक हैं जिनको यहाँ समर्थन करने आए हैं। आपका नाम? तो आप सपोर्ट करने आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भाई आपका उधर वोट दिया है कार्ड पर? ये फर्स्ट साल में आपको वोट किसको? शहरी क्षेत्रों से भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हुए हैं। रायगढ़ विधानसभा का क्षेत्र जहाँ तक लगता है सभी कोनों से हिस्सों से नागरिक आए हुए हैं, जो उनके वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे आम वोटर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। ये हमारे साथ में गोरख रहते हैं, आप लोग विजय अग्रवाल के समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हम लोग को जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जो कि विजय अग्रवाल जितने से मैं जो है कुछ कारण वर्ष थे उनको निचले चुनाव लड़ना पड़ा था। तो विजय चुनाव में आपने वोट दिया था? हम लोग का टीएम के साथ थे, दूसरे अग्रवाल को वोट दिया था। अभी क्या है, टीएम का जो वापस हुआ है, मतलब आपको नेता मतलब नहीं है पार्टी से इसको खड़ा। आज जितने भी कार्यकर्ता आए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, और विजय भैया हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो उनके स्वागत में आज पूरा भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ यहाँ पर जन सैलाब आया है और 5,000 से अधिक वोट लगे। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु जी है। हाँ, वार्ड नंबर 41 से बीजेपी के वोटर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और तन मन से हम लोग बीजेपी का मतलब नेता से मतलब नहीं माना है। भीड़ नजर आ रही है, बोल रहे हैं कि विजय अग्रवाल का जो जन समर्थन है वो बाकी नेताओं में नहीं दिखता। नहीं, ये तो हम मानना पड़ेगा आज कि जितना आज विजय भैया में भीड़ हुआ है किसी नेता में आज तक हम लोग नहीं देखे हैं। बहुत काफ़ी भीड़ है, बहुत काफ़ी उत्सव है, अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है। और विजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लोगों का प्यार है जी।
अड़सठ साल की राजनीति से जी उस पार्टी के गांव के जुड़े रहे, उन सबका उत्साह है और उनका प्यार और आशीर्वाद। अच्छा, ये आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि हम पार्टी अगर नहीं विजय भैया का समर्थन में आ गए, आपके नाम को लेकर के ज्यादा चर्चा चल रही ना, ऐसा किसी ने कह दिया होगा? हाँ, बाकी सब पार्टी प्रति समर्पित है। हाँ, और आज नरेंद्र मोदी का नाम तो अपने आप में एक उत्साह भरने वाला नाम है। रायगढ़ में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है और सबसे ज्यादा सहूलियत की स्थिति होने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में? देखिए, जब से भूपेश जी की सरकार बना तो विकास कहीं जगह दिखाई नहीं देता। सबसे ज्यादा पहली सड़कों को ठीक करना आज पहली जरूरत है, बहुत सारी टाइम बना है, विकास रुका हुआ है। एक प्रकार से भूपेश जी की सरकार गाड़ी रुक गई, पुनः स्टार्ट करना पड़ेगा। सर, रायगढ़ में सबसे ज्यादा आपको कठिन परिस्थिति कौन से क्या लगती है अभी के डेट में, चुनाव की बात की जाए, राजनीति जनता को साधने में क्या सबसे बड़ा आपका? पहले बात, जनता को साधा नहीं जाता है, जनता को समर्थन दिया जाता है। साधने का एक बाई प्रोडक्ट का जो होता है हिंदू बना है उसको तो साधना है। जनता का कुछ युवा भाई भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा भाई, आपका शुभ नाम? विकास मेहता। अच्छा, आप किसके समर्थन में आए हैं? विजय अग्रवाल के समर्थन में। विजय अग्रवाल के समर्थन। अच्छा, ये पिछली दफा चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? वोटर आईडी बना था कि नहीं आपको पहले? वोटर आईडी बना था, उस समय भी हम विजय भैया के छाप में हम वोट लगाए थे, क्योंकि हमको लगता है कि विजय भैया हमारे कुछ मतलब आगे का विकास कर सकते हैं, इसलिए हम सभी मेरे भाई और युवा भाई क्योंकि रैली में शामिल हुए। अच्छा लगता है विजय भैया का, विजय भैया जिंदाबाद। रायगढ़ की जनता उनको पसंद भी करती है, हर गांव गांव में भी सभी जगह पार्टी को मतलब पार्टी से नहीं मतलब वो विजय भैया के लिए जो भी पार्टी में विजय भैया ही इसलिए आते हो विजय भैया जहाँ जाएंगे कांग्रेस विजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा शुभ नाम मुकेश सरकार सरिया से हूँ मैं। हम लोग विजय भैया के समर्थन में निकले हैं और साथ ही हम लोग बीजेपी के कट्टर बीजेपी भी हैं, लेकिन विजय भैया आए तो हम लोग खुशी का एकदम हमारा सीमा नहीं। हम लोग कांग्रेस का विजय भैया का चुनाव लड़ते तो सपोर्ट नहीं करते, हम खुला दिल के आदमी हैं, खुले दिल से बोल रहे हैं, हम भाजपा के समर्थक हैं और राष्ट्रवादी हैं और हमको नरेंद्र मोदी प्यारा है और विजय भैया भी प्यारा है, उनका जो व्यक्तित्व है और अभी आ गए तो बड़ी खुशी की बात। ठीक है, धन्यवाद।